Hey guys, this is welcome to my channel. तो आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों का YouTube चैनल जो है YouTube चैनल कैसे ग्रो करें। तो गाइस देखिए, कोई भी चीज पे ग्रो होना जल्दी जल्दी नहीं होता है, काफी टाइम लग जाता है। जो चीज जल्दी जल्दी ग्रो होता है गाइस, वो जल्दी जल्दी डाउन भी हो जाता है, वो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग YouTube में अगर बहुत वीडियो डाल दिया, बहुत वीडियो पोस्ट कर दिया, तो गाइस फिक्र मत कीजिए, आप लोग का चैनल ग्रो होगा। वो कैसे, वो मैं थोड़ा मैं जो मतलब टिप्स मेरे पास है वो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप लोगों का जो पुराना वाला जो वीडियो है ना, सब वीडियो में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ेगा, वो है कि SEO, ओके। जैसे कि अगर गाइस आप लोग अगर 6-7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक आप लोग का चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो आप लोग का दिक्कत है ये है कि आप लोग का जो SEO है, SEO आप लोग टिकटॉक से इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए गाइस व्यूज नहीं आता। क्या कैसे, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारा बंदा या बंदी है, वो क्या करता है, YouTube में सर्च करता है, तो सर्च करता है वो दूसरे का वीडियो देख लेता है, जिसका वीडियो देखता है वो क्या होता है, वो YouTube में मतलब उसका वीडियो में क्या करता है, SEO अच्छी तरह से करता है, इसीलिए उसका वीडियो सर्च में आता है। तो गाइस सिर्फ SEO करने से वीडियो सर्च में नहीं आता है गाइस, ये आप लोग को सोचना चाहिए। SEO के साथ साथ गाइस क्या करना है, वीडियो को ऑप्टिमाइजेशन करना है, मतलब आप लोग को ये पता है कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो होता है वही वन टाइप ऑफ सबका SEO हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जब आप लोग का वीडियो आएगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपका वीडियो 4 नंबर में रैंक कर रहा है या 6 नंबर में रैंक कर रहा है, जैसे कि आप लोग ट्यूब बड़ी में जाके देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर आप लोगों का जो कीवर्ड्स आप लोग डाले हैं टैग में वो कितना कितना नंबर में रैंक कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यूअर्स आपका वीडियो देखे, आपका वीडियो को अगर थंबनेल सबसे मतलब थंबनेल तो गाइस आप लोग अच्छा बनाना ही चाहिए, अगर विदाउट थंबनेल कुछ नहीं होगा, ठीक है, थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि थंबनेल गाइस एक CV की तरह होता है। जैसे कि आप लोग गाइस इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर CV सबसे फर्स्ट मैटर करता है, वही देख के पता चल जाता है कि एक कैंडिडेट कैसा है, तो थंबनेल ही आपका ऐसा है। अगर थंबनेल गाइस आप लोग का अच्छा होगा तो जरूर थंबनेल में क्लिक करेगा, और वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा रहेगा तो वीडियो को देखेगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लग जाएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, नहीं करेगा तो उसके बाद भी उसके पास वीडियो आते रहेगा, ऐसे आते 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 वो गाइस सब्सक्राइब कर लेगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पर यही है कि आप लोगों को फोकस करना है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सब पर। SEO तो हो गया, SEO हो जाने के बाद गाइस अगर आप लोग का वीडियो है तो वहां पर अगर आप लोग का वीडियो जो क्लिक करके देख रहे हैं वो गाइस वीडियो को 50% से ऊपर नहीं देखा है, तो मतलब एवरेज ऑडियंस रिटेंशन जो होता है वो अगर 50% से ऊपर नहीं होगा या 50% से डाउन होगा, 50% से अगर डाउन होगा तो YouTube आप लोग का वीडियो दूसरा किसी के पास गाइस नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जितना बंदा या बंदी आके आप लोग का वीडियो देख रहे हैं वो अगर 50% से ऊपर ऑडियंस रिटेंशन ले आके देखेगा तो आप लोग का वीडियो और भी बंदा के पास या बंदी के पास भेजेगा, आपको वीडियो जरूर रैंक में भी आएगा, ठीक है, रिकमेंडेशन में जाएगा, बहुत सारा इसमें फायदा होगा, आप लोग का व्यूज जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन के बारे में गाइस ऑलरेडी वीडियो बना हूं, आप लोग जाके देख सकता है, आई बटन में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग को करना है, आप लोग का सब तो अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई कैसे ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाओ, तो गाइस देखिए ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने के लिए मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का जो पहले सबसे पहला वाला जो वीडियो है, मतलब सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग जो आप लोग वीडियो बना रहे उसमें ही गाइस आप लोग का थोड़ा अच्छी तरह से कुछ डालना पड़ेगा, जैसे कि व्यूअर्स लोग को थोड़ा पकड़ में रखें, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, और अगर भाग जाएगा तो क्या होगा, आप लोग का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो खराब हो जाएगा, तो उसमें आप लोग का दिक्कत होगा गाइस, ठीक है। तो ये चीज गाइस आप लोग को करना चाहिए, और करने के साथ साथ आप लोग का इस वीडियो रैंक करना, रैंक कैसे करना है, रैंक गाइस फर्स्ट टाइम से होता है, जितना ज्यादा फर्स्ट टाइम होगा उतना ही आप लोग का वीडियो रैंक में आएगा, ओके। तो आप लोग को कैसे, आप लोग अगर अभी बोलेंगे कि भाई मेरे तो वीडियो कोई दिखता ही नहीं है, कैसे भाई वीडियो को रैंक करूँ, कैसे करूँ, गाइस आप लोग को मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ गाइस, ये बहुत ही मतलब पावरफुल ट्रिक है। ये क्या है, देखिए जैसे कि आप लोग का घर में अगर 4-5 ऐसा मोबाइल है ना गाइस, तो आप लोग का हो जाएगा कैसे, उसमें गाइस जो IP एड्रेस होता है वो IP एड्रेस अलग अलग होना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि आपके पास जो मेन फोन है उसमें गाइस आप लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, अलग अलग जो 3-4 फोन है ना उसमें अलग अलग IP एड्रेस होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, जैसे आप लोग गाइस वीडियो अपलोड देता है तो उस फोन से सब फोन से गाइस आप लोग को देखना है, ठीक है, डिफरेंट ID से घुस के आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देख लेते फुल वॉच करना पड़ेगा, फुल वॉच करते हैं तो क्या होगा, इनिशियल व्यूज जैसे आप लोग आ जाते हैं गाइस, आ जाने के बाद YouTube सोचता है कि भाई ये नहीं, ये वीडियो में थोड़ा सा दम है, इस वीडियो को और भी किसी बंदे के पास भेजो,
ये यूट्यूब जो ये भेजता है ना, इसी को बोला जाता है इम्प्रेशन। गाइस बहुत सारे को आप लोग पूछ सकते हैं कि पता नहीं कि इम्प्रेशन क्या है। ये है इम्प्रेशन, जितना ज्यादा बंदे बंदी के पास भेजेगा उतना ज्यादा व्यूज आप लोग का आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसी तरह से गाइस आप लोगों का चैनल धीरे धीरे ग्रो होता है, ज्यादा व्यूज आने लगता है, ज्यादा सब्सक्राइबर आने लगता है। ठीक है, चलिए गाइस आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।